सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। लास्ट क्लास में मैंने आपको दिया था वॉइस का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर, ठीक है। वहाँ पे हमने सिर्फ जो टेंसेस के ऊपर जितने भी वॉइस थे वो सब हमने देख लिया था, ठीक है। आज के क्लास में हम उन्हीं सभी का प्रैक्टिस देखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी कोविड 19 के चक्कर में, ठीक है, कोविड 19 के चक्कर में जो क्लासेस जो कैंसिल हो रहे हैं, तो मैंने सोचा है क्या कि इन सभी क्लासेस को एक YouTube के हिसाब से ही अपने जो JMS क्लासेस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को पहुंचा दिया जाए, ठीक है। वो घर में बैठ के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपका वॉइस का जो सेक्शन था वहाँ से मैंने आपको टेंसेस के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब मैंने कर लिया था, ठीक है। हम लोगों ने कर लिया था टेंस के ऊपर, ठीक है, और इसके अलावा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी हमने कर लिया था, ठीक है। सो आज के क्लास में मैं उसी का प्रैक्टिकल कराऊंगा, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है, कि उसके ऊपर कैसा हमारे सेवा बोर्ड के हिसाब से कैसा आया, ठीक है। और ये वीडियो क्लास अगेन बोल देता हूँ 9, 10 और 12, ठीक है, आसाम के अंदर जितने भी हैं सभी के लिए, ठीक है। सो 9, 10, 12, 11 इसलिए रह गया क्योंकि 11 में वॉइस नहीं आता है, ठीक है। सो चलिए अभी आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, जस्ट क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, ठीक है, और मैं आपको एक थोड़े समय का 30 सेकेंड का मैं टाइम यहाँ पर मैं लूँगा, ठीक है। 30 सेकेंड ऐसे ब्लैंक छोड़ दूँगा आपको, 5 मिनट तक पकड़ लो या जितना टाइम को लगता है, वीडियो को पॉज करके, ठीक है, उसका छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद में आप उसको खुद से ट्राई करना, ठीक है, जहाँ तक आपने सीखा है, ठीक है। आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लो, ठीक है, सीख जाओगे। उसके बाद इसको ट्राई करना, उसके बाद मैं फिर आपको उसी का आंसर्स कराऊंगा, जिससे क्या होगा आपका करेक्शन भी हो जाएगा और समझ भी जाओगे कहाँ पे क्या रूल लगता है, ठीक है। सो बेसिकली ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो भी वॉइस सीखना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9, 10, 11, 12 के लिए, 12 के लिए, ठीक है, कोई भी अगर सीखना चाहता है सीख सकते हैं, ठीक है। बट ये जो क्वेश्चंस मैं जो भी ले रहा हूँ ये आसाम के रिगार्डिंग, मतलब आसाम के आसपास है, ठीक है। मतलब जितने मैं अभी आपको सेंटेंसेस देने वाला हूँ, जितने भी सेंटेंसेस होंगे, सभी के सभी जो हमारा जो HSLC एग्ज़ाम हो या फिर 9 का फाइनल हो या फिर 12 हो HSCC, उसी से कॉमन लिया गया क्वेश्चंस है, ठीक है। सो चलिए मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, कुछ सेंटेंसेस हमारे पास में। पहला है, द हेड मास्टर प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा, ओके, सो नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा, आई हैव पोस्टेड द लेटर्स, एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय केयरलेसनेस, ही इज राइटिंग अ लेटर, समवन ब्रोक द विंडो पेन्स, पीपल स्पीक असमिस इन असम, ठीक है। अगर आपको वर्ल्ड के लिए चाहिए तो वहीं पर क्या किया जाएगा, पीपल स्पीक इंग्लिश, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पे क्या लगा दिया जाएगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसे चेंज करके आपको दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्लीज टेक द मेडिसिन, ही ड्रीम्ड अ ड्रीम, मिस्टर सेकिया टीचेस अस इंग्लिश, शट द डोर, ठीक है। सो आप क्या करो, आप फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या फिर वीडियो को पॉज करके बढ़िया से पहले लिखो, उसको करो, ठीक है, सॉल्व कर लो पूरा को। यहाँ पे 10 सेंटेंस दिएगा, आप सबको करो, ठीक है। उसके बाद में, ये होने के बाद में हम क्या करेंगे, मैं इसका आपको सॉल्यूशन भी दूंगा, ठीक है। फिर आप टेली करना, ठीक है, कितना आपका सही हो रहा है, कितना आपका गलत हो रहा है। अगर आपने लास्ट वीडियो पहले देख लिया है उसके बाद ही ये काम करेगा, आप सीख जाओगे, ठीक है। नहीं तो अगर आपको आइडिया है तो भी आप कर सकते हो, वॉइस का पहले से आइडिया है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। इससे पहले एक वीडियो आ चुका है, मैं आपको बता देता हूँ, तो वो आप पहले देख लो, फिर ये आप देखना, ठीक है। अगर आपने देख लिया है तो क्या करना है, पहले इसको लिखो, फिर बनाओ, कर लो, ठीक है। उसके बाद वॉइस चेंज करने के बाद में फिर आप इस वीडियो को प्ले करना, ठीक है। सो अभी मैं एक 5 सेकंड का ब्रेक ले लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद में मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। सो ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं सॉल्यूशन पार्ट, ठीक है। पहला, सो मैं होप करता हूँ कि आप सभी लोगों ने मुझसे चीटिंग नहीं किया है, ठीक है, आप सभी ने पहले इसे सॉल्व कर लिया है, ठीक है। सो अगर चीटिंग कर रहे हो तो पाप लगेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, सो द हेड मास्टर प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग, ठीक है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था वॉइस के अंदर में सिंपल पास्ट, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर पता चलता है वर्ब टू से, ठीक है ना। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या है हमारा, वर्ब टू है, मतलब क्या है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, द हेड मास्टर प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द
मीटिंग, अब ये चीज उसी को समझ में आएगा जो पहले वाले वीडियो को देख लिया, ठीक है। द मीटिंग वॉज प्रिसाइडेड ओवर, प्रिसाइडेड ओवर, ओके, बाय द, ठीक है। अब मैं हेडमास्टर को HM देता हूँ, ठीक है। सो द मीटिंग वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय द हेडमास्टर, ठीक है। रूल्स क्या लगे हैं ये सब जानने के लिए आप पहले वाला वीडियो जरूर देखो, ठीक है। वहां पे मैंने फर्स्ट वीडियो में हमने सिर्फ क्या किया है, सिर्फ वहां पर हमने रूल्स को ही डिस्कस किया है और टोटल 12 टेंसेस को भी देखा था, 9 को, ठीक है, 9 को। ओके, आई हैव पोस्टेड द लेटर। अब यहाँ पर देखो हैज हैव है, आपको पता हैव में बिन लग जाता है। सो द लेटर्स, तो हम पहले लिखेंगे क्या, द लेटर्स, ठीक है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन रहा है, सो द लेटर्स। अब बताओ पे हैज लगेगा, हैव लगेगा, ठीक है। सो ही सी इट और एनी नेम के साथ हैज लगेगा, बाकी सब में हैव लगेगा, तो ये तो प्लुरल है। सो द लेटर्स हैव, ठीक है, द लेटर्स हैव बिन, द लेटर्स हैव बिन। अब वर्ब थी तो हमें पहले दिया हुआ रहता है, तो पोस्टेड, ठीक है। और बाय मी को आप लिखना अब ब्रैकेट में, ठीक है। पहले आप, मैंने आपको बताया था कि मी जो है, बाय मी पहले वाले वीडियो में मैंने सभी में लिखा था, बट उसमें मैंने मेंशन भी किया था, अगर आपने ध्यान सुना होगा तो, कि इसे मैं बाद में हटा दूंगा, तो अभी मैंने इसे हटा दिया है। कैसे हटाया, क्यों हटाया, देखो वैसा सेंटेंस जहां पर सब्जेक्ट का कोई वैल्यू ना हो, मतलब जहां पर सब्जेक्ट उतना इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है, जैसे कि आई, वी, ठीक है, पीपल, समवन, समबडी, ठीक है, क्राउड, मोब। तो ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, किसी ने उसे पीटा, या सपोज आई एम सेइंग यू, ओके, इट विल बी डन, ये हो जाएगा, क्या समझ में आया, कौन कर देगा, मैं ही कर दूंगा, ठीक है, यू विल बी टॉट, बात खत्म, इट इज यू विल बी टॉट बाय मी, मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, आपका काम हो जाएगा, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मान लिया जाता है कि मैं हूँ, ठीक है, बट चूंकि हम बोर्ड में जब लिखते हैं तो आपको कुछ टीचर्स ये भी मान लेते हैं कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अलग अलग ग्रामर बुक में अलग अलग बात है, तो आप क्या करो, यहाँ पर लिखो द लेटर्स हैव बीन पोस्टेड, बात खत्म, ठीक है, बाय मी को ब्रैकेट में रखो, ठीक है। सो अगर टीचर को ये समझ में आ रहा है कि बाय मी होना चाहिए तो हमने दे दिया है, अगर नहीं चाहिए तो उसे पता चल गया होगा कि हाँ ये नहीं चाहिए था, ब्रैकेट में इसने दिया है कि बाय मी, ठीक है, ओके, क्लियर हो चुका है। एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय केयरलेसनेस, ठीक है। सो केयरलेसनेस जो है ये क्या, हमारा सिंगुलर, ठीक है, सो हम लिखेंगे केयरलेसनेस। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, क्या एक्टिव है या फिर पैसिव है, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या थे, एक्टिव वॉइस थे, मगर ये क्या है, पैसिव है, एक्टिव है। मैंने आपको बताया था पैसिव के लिए क्या होता है, बी प्लस वर्ब थ्री, देखो तो बी प्लस वर्ब थ्री है क्या, बी प्लस वर्ब थ्री मिल रहा है, इज एम आर प्लस वर्ब थ्री मिल रहा है, सो ये क्या है हमारा, ये पैसिव है, ठीक है। सो केयरलेसनेस, सॉरी ये क्या था, ये पैसिव था, तो अभी एक्टिव होगा, किसका एक्टिव होगा, अब याद करो इज एम आर प्लस वर्ब थ्री कौन से हमने वॉइस में किया था, सबसे पहले वाले में किया था, आई राइट ए लेटर, अ लेटर इज रिटन बाई मी, इज रिटन बी प्लस वर्ब थ्री हो रहा है, सो ये क्या हमारा बी प्लस वर्ब थ्री हो रहा है। सो हम क्या लिखे हैं, केयरलेसनेस सिंपल प्रेजेंट में है तो क्या होगा, कॉजेस हो जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस ओ एस लगेगा, तो केयरलेसनेस कॉजेस क्या, एक्सीडेंट्स, ठीक है, ये आपका 10 और 12 दोनों में ही आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। ही इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, कंटिन्यूस हमने किया था ना, सो अ लेटर, और इसके ऊपर तो पूरा क्लास ही लास्ट हमने किया था ना, सो अ लेटर इज बीइंग रिटन, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय, अगेन ही है, अच्छा बताओ यहां पर ही में सब्जेक्ट का जरूरी है या नहीं, तो देखो वह जो है ये कभी खास हो चुका है, मैं खास नहीं था, हम लोग खास नहीं थे, कोई खास नहीं था, लोग खास नहीं थे, ठीक है, भीड़ खास नहीं थे, बट ही, शी, ठीक है, इट, या कोई अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वो खास है, ठीक है। सो द लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, लास्ट क्लास में हमने आपको बता दिया था पैसिव फॉर्म्स, ठीक है, सो ही का हिम, आई का मी, वी का अस, दे का देम, ये सब हमने बता दिया था, ठीक है। समवन ब्रोक द विंडो पेन्स, ठीक है, अब विंडो पेन्स जो है क्या है, प्लुरल है, तो हम लिखेंगे द विंडो पेन्स, ठीक है, सो द विंडो पेन्स, अब समवन के बाद में क्या लगाया, ब्रोक लगाया है, ब्रोक वर्ब टू है, सो द विंडो पेन्स वर, या वर, द विंडो पेन्स वर ब्रोकन, वर्ब थ्री लग जाएगा, ब्रोकन, ठीक है। अब बाय समवन, अब यहां पे इंपॉर्टेंट, अगर आ गया समबडी, समवन हट जाता है, गायब हो जाता है, इसका कोई इमिट कर देना है, सो बाय प्लस एजेंट यहां पे नहीं लगाना है, द विंडो पेन्स वर ब्रोकन, ठीक है। सेम लाइक एक एग्जाम्पल और मैं बोल रहा हूँ सेंटेंस, आप चाहो तो लिख सकते हो, समवन हैज ब्रोकन माई पेन, समवन हैज
stolen my pen. Okay, someone has broken my watch. Okay, so my watch has been broken. Okay, my watch has been stolen. Okay, take it. My pen has been broken. Take it. So यहाँ पर by someone, by somebody लगाना का जरूरत नहीं है, ठीक है? Okay, next देख लेते हैं. People speak Assamese in Assam. So यहाँ पर देखो subject जो आपका object क्या Assamese है, ठीक है? So हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? Assamese. और देखना है पहले आपको ये कि ये कौन से tense में है. तो देखो ये simple present में. क्या चीज़ में? Simple present में. So Assamese is, ठीक है? Verb 3 spoke speaker क्या हो जाएगा? Spoken. So Assamese is spoken in कहाँ पे? Assam. So Assamese is spoken in Assam. अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ है. सर यहाँ पे by क्यों नहीं लगा? Assamese is spoken by people in Assam. क्या है, गलत है? नहीं, सही है, कोई गलत नहीं है. But मैंने जैसा आपको बताया, जहाँ पे subject ज़्यादा powerful नहीं है, ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे हम नहीं लिखते हैं, ठीक है? So people, लोग, मैंने पहले बताया, भीड़, someone, somebody, I, we, हटा दो ये सबको, ठीक है? So हम इसे हटा देते हैं, बिल्कुल ही गायब कर देना है सबको, ठीक है? So people speak Assamese in Assam, Assamese is spoken in Assam, ठीक है? People speak English all over the world. English is spoken. English is spoken all over the world. Okay. Please take medicine. अब देखो यहाँ पे please वाला आ गया. मैंने आपको last class में कहा था imperative का बताया था थोड़ा सा, ठीक है ना? Please वाला हमें क्या use करना है? Requested. Okay. So you are requested to then ये पूरा ही लगा दो, ठीक है? ये part. So take the medicine. You are requested to take the medicine. Shut the door. You are asked to shut the door. यहाँ पे ask लाएगा. Okay. Stand up. You are asked to stand up. Please stand up. You are requested to stand up. Okay. और ऐसे बहुत सारे sentences होते हैं, ठीक है? Just मैं ऐसे आपको दे रहा हूँ. Okay. Please give me some more time. HSC का एक बार आया हुआ था HS में, ठीक है? Please give me some more time. So you are requested to give me some more time. Okay. और कुछ sentences मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है? Question के हिसाब से. Okay. Like मान लो ऐसा है. Don't tell a lie. You are asked not to tell a lie. मैंने आपको negative last class में बताया था कि यहाँ पर not to होगा, to not नहीं होता है. तो you are asked not to tell a lie. Okay. Don't cross the road. So you are asked not to cross the road. Don't go in sun. You are asked not to go in sun. ठीक है? So इस तरह से हम करते हैं, ठीक है? इसको बढ़िया तरह से. Don't bite your nails. So you are asked not to bite your nails. ये class 10 वालों के लिए important होगा क्योंकि उनके पास क्या है? एक Amanda chapter है. उसमें एक sentence है. Amanda, don't bite your nails. So you are asked not to bite your nails. ठीक है? इस तरह से. नेक्स्ट देख लेते हैं. ही ड्रीम्ड अ ड्रीम. ओके, एक सेंटेंस यहाँ पे एक और चीज़ देख लो. मैंने एक सपना देखा. आई सॉ अ ड्रीम. सही है? बिल्कुल गलत है. आई सॉ अ ड्रीम गलत होता है. आई ड्रीम्ड, बात खत्म. आई ड्रीम्ड अ ड्रीम भी आप लिख सकते हो, ठीक है? आई ड्रीम्ड कहने का मतलब है मैंने सपना देखा. सपना देखने को हम ड्रीम कहते हैं, ठीक है? ड्रीमिंग. हाँ, आई वॉज ड्रीमिंग, मैं सपना देख रहा था, ठीक है? ठीक है. So I was dreaming a dream कहने का जरूरत नहीं होता है correct sentence के form में, but यहाँ पर चूंकि question में दिया हुआ है he dreamed a dream, तो हम इसे solve करेंगे, ठीक है? नहीं तो यहाँ पर subject नहीं मिलता, ठीक है? हालांकि a HS का question है. So a dream, अब verb 2 है. So was dreamed, ठीक है? A dream was dreamed by him. अच्छा, एक बात याद रखना अभी से ही, ये जो टेंस है ना, सिंपल पास्ट. अगर आप मुझे कहोगे या किसी भी टीचर को कहोगे कि 5 सेंटेंस आप वॉइस के लिए दीजिए, ऑटोमेटिकली अंदर से निकलेगा 5 में से 3, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से होगा? सिंपल पास्ट से होगा या फिर सिंपल प्रेजेंट से होगा. इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है, ठीक है? इसलिए इन दोनों टेंस को आप बढ़िया से करो वॉइस के फॉर्म में. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार आ रखा है, ठीक है? मिस्टर सेकिया टीचेस अस इंग्लिश, ठीक है? सो इंग्लिश is taught, English is taught. अब यहाँ पर देखना, English is taught to us by Mr. Sekia, ठीक है? By Mr. Sekia. अब taught to क्यों लगा? इसको आप ऐसे भी दूसरे फॉर्म में भी कर सकते हो, ठीक है? इसका एक और फॉर्म हो सकता है. क्या हो सकता है? We are taught
taught English. We are taught English by Mr. Sekia. ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे taught to us, यहाँ पर we are taught English, ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे दो sentences क्यों बन रहे, because ये double object वाला sentence है, double object, यहाँ पर object कितना है, दो है, देखो एक us है, ठीक है ना, मिस्टर सेकिया हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, किसे पढ़ाते हैं, हमें, तो एक ऑब्जेक्ट हम हो गए, क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो इसलिए क्या हो गया हमारे पास, दो सेंटेंस बन गया, ठीक है, ओके, लास्ट शट द डोर. अच्छा, इस तरह का एक और सेंटेंस हो सकता है, जैसे कि आई गैव हिम अ बुक, ओके, आई गैव हिम अ बुक, ही वॉज गिवेन अ बुक बाई मी, ये भी हो सकता है, ही वॉज गिवेन अ बुक, बात खत्म, और a book was given to him, a book was given to him by me. So, to him, by me, ये connecting word है, याद रखना ऐसे sentences के लिए, ठीक है. Shut the door. अभी आप कर सकते हो, you are asked to shut the door. You are asked to shut the door, ठीक है. So, आप अच्छी तरह से सभी को note कर लो, ठीक है. मैं बोल बोल के लिखाया इसीलिए हूँ क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग कुछ ज़्यादा अच्छा है, ठीक है. सो इसीलिए आप इसे बढ़िया तरह से रिपीट करके देख लो, दो बार देख लो, तीन बार देख लो, ये 10 सेंटेंसेस है, बट मैं कहूँगा इन सेंटेंसेस में बहुत सारे अलग अलग टेंस आ चुके हैं, ठीक है. फ्यूचर नहीं आया, आपको दिख रहा होगा, बिकॉज फ्यूचर बहुत लेस रिपीट होता है, ठीक है. तो फ्यूचर का कुछ सेंटेंसेस कर लो, हो जाएगा. अच्छा, होमवर्क के लिए यहाँ पर दिया गया है कुछ, देख लो, ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आकर ज्वाइन कर लो, ठीक है. सो होमवर्क जो है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, इसका, और नहीं तो आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है. जो JMS क्लासेस वाले हैं उनका तो होमवर्क मिल ही जाएगा, ठीक है. जो बाहर के उनके लिए बता रहा हूँ, आपके ग्रुप को ज्वाइन करना, सेम होमवर्क वहाँ पर मैं दे दूंगा, ठीक है. कुछ सेंटेंसेस जो 20-30 या 50-40 ऐसे दे दूंगा, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो, आपका जो वॉइस का प्रॉब्लम जो भी होगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है. आंसर भी आपको मैं बाद में दे दूंगा, पहले आप उसे प्रैक्टिस कर लेना, ओके. सो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, ठीक है. सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, एंड घर पर के बढ़ते रहो.